नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स एज न्यूज में। और पहले T20 मैच में रोहित शर्मा का विश्वसनीय छक्का देख मैदान में भौचक के रह गए सभी खिलाड़ी। तो जानेंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दबाइए नोटिफिकेशन बेल को ताकि ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे आज के पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन इसके जवाब में भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत में ही शानदार 7.5 के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आज के मैच में शुरू होते ही शिखर धवन व रोहित शर्मा बड़े ही आक्रामक रूप से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा ने जड़ दिया एक ऐसा शॉट जिसे देखकर मैदान में खड़े सभी खिलाड़ी भुचक के रह गए। दरअसल हुआ यूं कि दूसरे ओवर को डाल रहे थे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज टिम साउदी और स्ट्राइक पर थे रोहित शर्मा, और इस ओवर की तीसरी गेंद को रोहित शर्मा ने बड़े आसानी से पुल करते हुए थर्ड मैन के ऊपर से खेल दिया, और एक समय पर ऐसा लग रहा था कि मानो बाउंड्री पर खड़े ट्रेंट बोल्ट इस कैच को पकड़ लेंगे, लेकिन गेंद जाके गिरी सीधा बाउंड्री के पार और इसे छक्का करार दिया गया। आपको बता दें कि रोहित शर्मा का यह छक्का इतना शानदार व तेज था मैदान में खड़े सभी खिलाड़ी इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि गेंद कब बाउंड्री के पार जाके गिर गई। रोहित शर्मा के जबरदस्त छक्के को देख ड्रेसिंग रूम में बैठे वीरेंद्र सहवाग इतने खुश हो गए कि उन्होंने रोहित शर्मा के इस शॉट की तुलना सचिन तेंदुलकर द्वारा खेले गए उस छक्के से कर दी जिन्होंने शोएब अख्तर की गेंद पर थर्ड मैन के ऊपर से खेला था। दोस्तों, रोहित शर्मा उन बल्लेबाजों में से एक है जिन्होंने हमेशा ही अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से भारतीय क्रिकेट टीम का सर गर्व से ऊंचा किया है। यह तो रोहित शर्मा की खास कला है कि वह ऐसे शानदार शॉट्स लगाकर हमेशा ही विरोधी टीम के खिलाड़ियों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, रोहित शर्मा के इस अविश्वसनीय छक्के पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।